18 अगस्त 1947 अमेरिकन मैगजीन लाइफ में ये फोटोग्राफ छपता है। इस फोटो में बी एस केशवन, जो आगे जाके इंडिया के नेशनल लाइब्रेरियन बने, अपने सर पे हाथ रख के दो बड़े स्टैक्स ऑफ बुक्स के बीच में बैठे हुए हैं। एक के प्लेकार्ड के ऊपर लिखा है पाकिस्तान और दूसरे के ऊपर इंडिया। इस फोटो के कैप्शन में लिखा था, इन द इंपीरियल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी अ क्यूरेटर ट्राइज टू डिवाइड 150,000 वॉल्यूम कलेक्शन इनटू इक्वल पार्ट्स फॉर ईच न्यू स्टेट। बट क्या सच में इस लाइब्रेरी को डिवाइड किया गया था? इजंट इट क्रेजी टू डिवाइड ए लाइब्रेरी? बट इंडिया में पार्टीशन के वक्त और भी ज्यादा क्रेजी थिंग्स हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, सिंस वॉइसराय के पास एक ही रॉयल कैरेज थी, उसका ओनरशिप कहो कैसे डिसाइड किया गया होगा? यस, कॉइन टॉस से। बाय द वे, इंडिया वन द टॉस। टीवी पे जो आप प्रेसिडेंशियल बग्गी देखते हो ना, ये वही कैरेज है। यप। बट ऑन अ सीरियस नोट, अपने पार्टीशन की फोटोज तो देखे होंगे, उसके सामने डिवाइडिंग अ लाइब्रेरी डजंट सीम लाइक अ बिग डील। सो जब मुकुल बी एस केशवन के बेटे ने उन्हें कहा, लुक इज अ पिक्चर ऑफ यू अपेरेंटली डिवाइडिंग द नेशनल लाइब्रेरी, तब उनके पापा ने उन्हें हंस के कहा, यू नो दिस नेवर हैपेंड। Yes, the photo was taken, but the library was never divided. But why? Apparently, libraries divide hui thi, but only those who were under the control of individual provinces. For example, jo Calcutta Madrasa library thi, jahan pe world ke sabse oldest Persian manuscripts rakhe gaye the, usse divide kiya gaya tha. In books ko open trucks mein bhar bhar ke Dhaka mein transport kiya ja raha tha. But unfortunately, rains ki wajah se ye manuscripts destroy ho gaye the. और आज कलकत्ता में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे हैं वो सब 1947 के बाद वाले हैं। फॉर्चुनेटली इंपीरियल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी जो दिल्ली में थी, जहाँ पे ये फोटो लिया गया था, उसके बुक्स को कभी डिवाइड नहीं किया गया था, बिकॉज वो सेंटर के कंट्रोल में थी। एंड लाइब्रेरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर वर नेवर डिवाइडेड। काइंड ऑफ फेक फोटो।